है दोस्तों आपका अनंत के गार्डन में। आज मैं आपको एक वेजिटेबल दिखा रही हूँ, ये है फेम प्लांट, लोकल भाषा में इसको टालिनियम कहते हैं, और इसको ये फिलीपींस स्पिनच भी कहते हैं। इसको ये फिलीपींस में पाई जाने वाली स्पिनच है। ये देखिए, इसके जो लीफ हैं उनको आप ऐसे ही सैलड में खा सकते हैं, और आप सब्जी बना के भी खा सकते हैं। देखिए पहले तो इसके ऊपर कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। अब मैं आपको, ये किसी ने एक छोटी सी कटिंग मेरी बेटी को दी थी, तो अब उससे ये मैंने छोटे छोटे पीसेस काट के इसके लगा दिए। कितनी दिखी ये। अब इसके लिए सॉइल, इसको ह्यूमिड थोड़ा एनवायरनमेंट चाहिए, और थोड़े ड्राई एरिया में भी हो जाती है। ये एक मेरा मरिंगा का ट्री है, उसकी छाया में मैंने इसको लगा रखा है। ये देखिए कितने ही खूबसूरती से ये सब फैला हुआ है यहाँ पर, और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी है। आप इसको डेली वाटरिंग करें, नहीं तो इसकी पत्तियाँ एकदम ऊपर को मुड़ जाती हैं। आप इनको ऐसे ही कच्चा भी खा सकते हैं, और बॉईल करके इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। अब इनकी प्रोपेगेशन कैसे होती है, आप एक छोटी सी डंडी इसकी काट के, स्टेम्स काट काट के भी इसको लगा सकते हैं ज़मीन में। और इनके जो फ्लावर्स हैं उनके बाद में इस तरह से सीड पॉड बन जाती है इसमें, और वो सीड पॉड अपने आप ही थोड़ा सा प्रेशर डालने पर, ये देखिए ये खुल गई है, और उसमें से ये सीड्स निकल आए। ये देखिए ब्लैक मेरे हाथ पे लगे हुए, ये इसी तरह ज़मीन में बिखर जाते हैं अपने आप, और प्लांट्स निकलते जाते हैं। ये देखिए इधर भी मैंने बहुत सारे, ये एक देखिए छोटी सी कटिंग है इसकी, वो भी ज़मीन में लग गई हुई है, और ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला ये प्लांट है। देखिए कितना सारा मेरा गार्डन में लगा हुआ ये। आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं, और इसका खाने में उपयोग करें। ये देखिए, और इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लग जाता है ये, बस इसको थोड़ा सा ह्यूमिडिटी पसंद है, तो किसी बड़े पेड़ की छाया में लगाएं या गमले में लगा के रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वेजिटेबल है ये। आप इसकी कटिंग लेके आएं और इसको लगाएं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।